एक दिन ये देने से क्या, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने ऐसे? हाँ सुबह सुबह फोन आया ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि कुछ सामान आए हैं, ये यहाँ टोटो गाड़ी का ऊपर छत का ऊपर ऐसे बांध रहा है, बाट फार्म तक लेके जाएंगे। और ये क्या है, मतलब मांका के लिए बहुत खूबसूरत सा एक चीज है, गेस कीजिए, अभी नहीं बताएंगे। वहाँ जाके बॉक्स ओपन करेंगे और मांका को परिचय कराएंगे इसके साथ और देखेंगे मांका का एक्सप्रेशन कैसे होता है। और तो फाइनली पहुंच गए हैं। और क्या है इसमें, मांका के लिए कौन सा चीज हम लोगों ने लेके आए हैं? हाँ बहुत भारी है, अनबॉक्सिंग होगा, उसी के साथ इसका भी अनबॉक्सिंग होगा। और ये तो सारे बर्ड्स के लिए मतलब ड्राई फूड है, इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद मामा जी आपको पता है यहाँ क्या है? जिस तरीके से हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसे कहते हैं तोड़ फोड़ अनबॉक्सिंग। कॉन्गो नेचुरल पैरोट ट्रीट, कॉन्गो नेचुरल पैरोट ट्रीट। एक्चुअली ये मैंने खरीदा नहीं, कॉन्गो नेचुरल पैरोट ट्रीट की तरफ से हमको एक सैंपल के तौर पे भेजा गया है, इसको यूज करके हमको रिव्यू देना है ये बर्ड्स के लिए, कितना अच्छा है, कितना शौक से खाता है वगैरह वगैरह। से पहले ओपन करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से पैक किया, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे से इसको पैक किया गया है। ग्रेट, इतनी अच्छे पैकेजिंग बना के भेजा गया है, क्योंकि ये कांच है, ग्लास है, शीशा है, शीशे के डब्बे में बर्ड्स के लिए भेजा गया है। वाओ बहुत अच्छा स्मेल है, देखिए मामा जी खाएगा सारे बर्ड्स। ज़्यादा करके अफ्रीकन ग्रे पैरट के लिए बहुत एसेंशियल है। जब भेजा गया था फ़ोन पे बात हुआ था दादा के साथ कि सारे बर्ड्स के लिए, पैरट टाइप का बर्ड्स ज़्यादा करके अफ्रीकन ग्रे के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत शौक से खाएगा भी और बहुत ही अच्छा एक हेल्दी न्यूट्रिशंस है ये। ठीक है ट्राई करेंगे, सारे बर्ड्स को देंगे और खाने के बाद उन लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना अच्छा होता है उन लोगों को हेल्थ के लिए, वो भी वीडियो में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। चलिए मामा जी हटाइए, अभी होगा बड़े वाले बॉक्स का अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है मामा जी खोलिए, फिर भी अंकल जी बताइए क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी इतना सारा बॉक्सेस है, 1 2 3 4 बॉक्सेस है, सेम बॉक्स मतलब थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मामा जी अंकल जी सब कंफ्यूज है कि इसमें क्या हो सकता है। वहाँ तो सारे के सारे व्हील चेयर से मतलब जो सारा हैंडीकेप्ड लोग है उन लोगों को देने के लिए, आप जैसे लोग है, सौहार्दवान व्यक्ति है, आप लोगों की तरफ से सुंदरबन की जो सारे हैंडीकेप्ड लोग है उन लोगों में से कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे व्हील चेयर भेजा जाता है और यहाँ से पैरट दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो बॉक्स है दिखने में सेम है, यहाँ जैसे ये वाला जैसे दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से यहाँ भी ऐसे दिखाई दे रहा है, इसलिए मामा जी अंकल जी 100% बोल नहीं पा रहे, लेकिन अभी फाइनली पता चल जाएगा सबको कि क्या है। हाँ ये है हम लोगों का तोड़ फोड़ अनबॉक्सिंग। मामा जी बताइए अभी तो पता चल रहा है ना, बहुत खूबसूरत सा एक केज है। हाँ जी नीचे व्हील लगा हुआ केज बनेगा और एक केज किसके लिए मामा जी? मांका के लिए। हाँ मांका के लिए, अंकल जी बरुंदा मामा जी सबका कहना था, बहुत दिन से बोल रहा था जो फैंसी केज होता है वो एक खरीद के लाना है मांका के लिए, क्योंकि मांका को कभी कभी ओपन एवियरी से बाहर निकल के हम लोग रखते हैं, तभी जाके ऊपर ऐसे एक केज हैंग करके रखे वहाँ ही रखते हैं, लेकिन वहाँ मांका बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं रहता है। इसी के लिए बहुत से प्लानिंग था कि मांका के लिए बहुत खूबसूरत सा एक केज हम लोग खरीद के लाएंगे और वहाँ जब जरूरत होगा मांका को वहाँ से ले आके ऐसे खूबसूरत सा केज का अंदर रखेंगे। बहुत दिन से एक केज लाएंगे ये सोच रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था और फाइनली आज हम लोग का केज आ गया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब इसको सेट किया जाता है। ये स्टिक दिया हुआ है, हाँ अच्छा है, मजबूत है, लेकिन मांका के आगे कितना दिन टिकेगा वो तो हम कह नहीं सकते। एक एक पार्ट को अलग करके खोल के रखिए, उसके बाद हाँ ये सारे व्हील है, पहले आप बॉक्स को हटाइए उसके बाद धीरे 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 लगाएंगे। मामा जी ये सामने का है शायद, बहुत खूबसूरत सा एक लॉक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे ऐसे उठा के ऐसे खोलना पड़ता है। मिल गया मिल गया, यहाँ शायद हम लोगों का मैनुअल होगा, एक सेकेंड यहाँ से ही वन। हाँ मामा जी अभी पूरा स्टोरी समझ में आ गया, ये दोनों जो है यहाँ दोनों साइड में, ये फ्रंट है ये पीछे वाला है, ये दोनों साइड में लगेगा। यहाँ लॉक है देखिए, ये देखिए यहाँ लॉक है, ऐसे यहाँ होल है एक साथ ऐसे करके, यहाँ सारे के सारे स्क्रू भी हम लोगों को मिल जाएगा, शायद मिल गया।
और अंकल जी ने तो यहाँ बहुत सारा चीज़ रखा है। अंकल जी आपने इतना सारा चीज़ ले लिया कि बहुत बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन बनेगा ऐसे। 1 2 3 4 हो गया। अभी धीरे 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 ऐसे इलांकी के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा टाइट दे देंगे। हो गया फुल टाइट। मैंने पूछा था दुकानदार को कि इससे बड़ा केज होगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यही जो साइज है ए नाप है। यहाँ मोलक्कन का कटू मकाओ भी रह सकता है। चारों साइड सही से हम लोगों ने टाइट दे दिया और अभी जो करना है यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लेके जाना है। मामा जी मैनुअल और एक बार दिखाइए। हाँ, दोनों साइड से तो हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ, और अभी ऊपर से जाली लगाना है। समझ गया। चलिए इसको एकदम ऊपर, ये देखिए ये जो चारों ये है ना, होल का अंदर चला जाएगा। यहाँ से सारा स्क्रू लगाना है। तो बहुत अच्छे से टाइट ले लिया। ओके, यहाँ से वहाँ ऐसे एक स्टिक देखिए वो वाला। हाँ, ऐसे करके लगेगा। दो बाउल रखने का जगह भी तैयार और ऊपर से ऐसे हो गया, बन गया बहुत खूबसूरत। नीचे व्हील लगाना है। ये लगाने का जो सिस्टम है समझ गया, बहुत आसान है। ऐसे ही प्रेस कर देने से चला जाएगा। बस छोड़िए, हो गया, ठीक है, रहने देते हैं। बस वाह एकदम इजी हो गया है इस तरीके से। जी, और ये भी इतना आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अगर निकल जाएगा तो बर्ड नीचे जा सकता है, नहीं निकलेगा। इसके लिए यहाँ भी लॉक है, इसको करके ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये है बाउल लगाने का सिस्टम। खोलना पड़ेगा, एक्चुअली गलती से हम लोग उल्टा लगा दिया। ये जो नेट हम लोगों ने ऊपर से ऐसे लगाया था, इसको उल्टा करके ऐसे करके लगाना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ऊपर रहेगा, तभी जाके बर्ड्स इस बाउल को निकल के बाहर ना फेंक सके। इसके लिए ऊपर का ये प्रोटेक्शन है, और नीचे रहेगा तो यहाँ से आप लगा नहीं सकते। इसको भी एक बार खोल के घुमाना पड़ा, क्योंकि यहाँ ये जो सीढ़ी है इसका होल उस साइड चला गया था और इसका होल इस साइड है, मतलब खोल के दोबारा सब करना पड़ रहा है। सब बड़े बड़े इंजीनियर है ना ये बहुत खूबसूरत। इस साइड भी है तो कभी जगह ना खुलेगा। हो गया, और सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर का अंदर रखने के लिए साफ सफाई भी सही से कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि नीचे ऐसे ट्रेन निकल लेने से पूरा जो पॉटी वगैरह करेगा वहाँ ही गिरेगा। आसानी से हम लोग इसको एकदम बाहर निकल के एकदम पानी से बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर सकते हैं। और मामा जी एक काम आपको करना है, जब इसको नीचे डालिएगा इसका ऊपर न्यूज़पेपर दे दीजिएगा, क्योंकि आपको साफ करने में आसान होगा। सिर्फ न्यूज़पेपर को ऐसे उठा के हल्का सा पानी डाल के ऐसे धो देंगे तो एकदम साफ हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पॉटी करेगा तो साफ करने में दिक्कत होगा और इसका लॉन्गजीविटी भी कम होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये यहाँ रास्ट आ जाएगा। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, घर के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसे घर का किसी कोने में आप रखिए, एकदम इजी क्लीनिंग है और बर्ड्स भी बहुत अच्छे से रहेगा। अगर टेम बर्ड है तो यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से सीढ़ी चढ़ के, बर्ड्स को तो सीढ़ी चढ़ना वगैरह ये सब बहुत पसंद आता है, यहाँ जाके भी बैठ सकता है, यहाँ से खाना भी खा सकता है और चढ़ के यहाँ से आके यहाँ अंदर भी जा सकता है। हो गया, सामने से फ्रंट गेट ऐसा है, बहुत ईजी है, ऐसे प्रेस करने से खुल जाता है और ऐसे प्रेस करने से लॉक हो जाता है। अगर गलती से ऐसे प्रेस हो जाए और तो ये आसानी से खुल ना जाए, इसके लिए यहाँ लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। इसको एकदम ऊपर उठाइए, यहाँ कुछ भी डालिए, जो खाना दाना पानी कुछ भी देना है तो यहाँ डालिए, और इसको ऐसे ऊपर उठा के ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए। और ऊपर यहाँ जो दिया गया है ये जो लॉक है, क्योंकि बर्ड्स का ये टेंडेंसी रहता है कि बाउल को ऐसे उठा के ऐसे चोंच से पकड़ के ऐसे उठा के नीचे गिराना, तो अगर ऐसे करके हम लोग लगा के रखेंगे ये लॉक यहाँ से लग जाएगा।
बाउल को ऐसे उठा नहीं पाएगा। हो गया लॉक। ये जो खाना आया है नया वाला, बहुत ही अच्छा खाना बताया गया है। सारे बर्ड्स को खिलाएंगे और मंगा को ओपन एवियरी से यहाँ लेके आना है, यहाँ छोड़ना है। हर्बल पैलेट मंका, मंका अंका आगे है ओपन एजेरी के अंदर। अभी देखेंगे ये जो खाना है हर्बल पैलेट्स, देखेंगे सारे बर्ड कैसे क्या खाता है। चलो एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मतलब यहीं तो इन लोगों का जन्म हुआ, यहीं पला बड़ा और अभी ओपन एजेरी में फ्लाई भी कर रहा है। तो ये जो खाना है ये एकदम फर्स्ट टाइम है इन लोगों के लिए। थोड़ा देखेगा, एक दो दिन उतना अच्छा से शायद नहीं खाएगा, धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। इसका टेस्ट पता चलेगा इन लोगों को, तभी जाके खाना शुरू करेगा। टेस्ट मिल रहा है धीरे धीरे, उसको पता चल गया कि हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। चलो मंका, चलो मंका। हाँ अफ्रीकन ग्रे तो ले लिया, ठीक है। पहले 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 चेक करो। नहीं 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 नहीं, लड़ाई नहीं। ये देखो ये गुड बॉय, इसको पूरा के पूरा टेस्ट पता चल गया। क्या हुआ मंका, इतना जोर से काटा? सनफ्लावर, सनफ्लावर तो हर रोज देता हूँ, एक दिन ये देने से क्या ऐसा क्या गुना कर दिया मैंने ऐसे? कांच है, टूट जाएगा। एक टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि कैसा है। नहीं चलो बताओ, बताना पड़ेगा। हाँ सही है, गुड। एक्चुअली मंका को कभी कभी कुछ चीज़ पसंद ना आने के बावजूद भी मेरा बात रखने के लिए मंका खा लेता है। हाँ सनफ्लावर तो बहुत पसंद है, थोड़ा सा खाया, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। चलो आ जाओ। हेलो, चलो आ जाओ, पसंद आ जाएगा, एक दो दिन के बाद पसंद आ जाएगा। हर्बल पैलेट्स तो सारे बर्ड्स के लिए शायद अच्छा होगा। चलो यहाँ से ले लो, ये ले लो, गुड। इसका टेल भी फुल है, साइज बहुत अच्छा साइज आ रहा है। और इन लोगों को बाहर छोड़ेंगे क्योंकि इन लोगों का एज अभी 1.5 से 2 साल हो रहा है, अभी भी 3 साल वेट करना है तभी जाके एडल्ट होगा, तभी ऐसे सेपरेट केज में ब्रीडिंग बॉक्स लगा के सेपरेट करके रखेंगे तो ब्रीडिंग होने का चांस रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल इन लोगों को 3 साल ऐसे मेरे ओपन एरियरी में उठते हुए बड़ा होना है। क्या कर रहे हो, गुस्सा नहीं? अच्छा सनफ्लावर, ठीक है। तो अभी 3, 3.5, 4 साल तक हमको वेट करना है। ओपन एवियरी में अभी नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। बारिश का टाइम में जो सैवला होता है, सोईवाल बंगाली में तो हम लोग सैवला कहते हैं, वो सैवला अगर बर्ड्स खाएगा, कॉक्सीडिया नाम का डिजीज़ ऐसे कहा जाता है, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि कॉक्सीडिया हो जाता है, बीमार हो जाता है, और फिर से उनको ट्रीटमेंट करके वहाँ से रिकवर करके अच्छे हेल्दी स्वस्थ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ अभी देखिए बहुत अच्छे से खा रहा है, एक बार इसका स्वाद टेस्ट मिल जाएगा तो उसके बाद एकदम शौक से खाएगा। तो बारिश का मौसम में बर्ड्स सबसे ज़्यादा बीमार होता है, तो बारिश का मौसम में सारे बर्ड्स के लिए हम लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही अच्छे केयरिंग करना है इन लोगों को। अच्छा ठीक है, पहले तुम ले लो उसके बाद तुम, तभी जाके बारिश का मौसम में भी हम लोग सारे बर्ड्स को सुरक्षित रख पाएंगे, बीमार होने से बचा पाएंगे। हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, इसी के लिए एक ही बार में इसका स्वाद इसका टेस्ट पहचान गया और बहुत ही आनंद के साथ खाना शुरू कर दिया। ठीक है चलिए अभी मंका को लेके जाना है और नया जो केज हम लोगों ने तैयार किया है मंका के लिए छोड़ेंगे। चलो आ जाओ, गुड गर्ल। चलो मंका, ये रहा तुम्हारा नया केज। हाँ तुम्हारे लिए है, डाल दिया सनफ्लावर। क्या हुआ मंका? तुम्हारे लिए ही है, छोड़ो। मंका भी देखेगा उसके बाद डिसाइड करेगा कि कैसे लगा। यहाँ देखो सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड नेचुरल पैलेट्स। मंका को बिठाने के लिए कुछ अच्छा जगह, मतलब ऐसे एक मतलब केज चाहिए था, बहुत ज़रूरत था इसका, और मंका को भी शायद ये केज बहुत पसंद आ गया। अच्छा मंका अभी तुमको एक बार अंदर जाना, अंदर जाके एक बार फिर से बाहर चले आना, ये तुम्हारे लिए। चलो चलो मंका जाओ, गुड। वाह
एक ही झटके में मंका खाना शुरू कर दिया, मतलब मंका खुश है। अच्छा, मंका का खेलने के लिए यहाँ कुछ टॉयज ऊपर से हैंग कर देंगे यहाँ से, और साफ करना भी बहुत आसान है। तुम्हारा पसंद आ गया है, पता चल गया है, अभी तुम और एक बार ऊपर चढ़ के जाके दिखाओ। जाओ, सीढ़ी चढ़ के जाना है मंका तुमको। देख के जो लग रहा है कितना खुश हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादा दुखी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा मंका को। और बाकी सारे व्यूअर्स के पास कमेंट्स का इंतजार रहा कि आप सभी को कैसे लग रहा है कि मंका को पसंद आया कि नहीं, आप लोगों का फील क्या है, आप लोगों का राय क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं केज के बारे में और मंका के बारे में। कमेंट्स का इंतजार रहा, मंका को पसंद आ गया। और तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मंका बोल दो लाइक करने के लिए, 20,000 लाइक का एम रखते हैं क्योंकि मंका बहुत खुश हुआ, और हमको विश्वास है 20,000 तो कुछ नहीं, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में ऐसे ही कोई मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। और तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। चलो मंका बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय, पैर उठा के बाय 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 बाय।